छत के कपड़े डालने के लिए मेरे हस्बैंड गए हुए थे कार की सर्विसिंग करवाने के लिए, तो वो आए तो बस अब कहीं लोग जाते हैं बाहर तो उन्हें आके तो वापस नहाना तो पड़ता ही है, तो बस वो आए थे और मैं छत पे आई थी कपड़े डालने के लिए। और अभी बज रहे दोपहर के 1 और मैंने दाल चढ़ा दिया, उसमें आलू भी डाल दिया है। तो आज का लंच मैं बनाऊंगी बहुत ही सिंपल खाने का। मैंने कल कल से पता है जब से वहां से मम्मी पापा भी गए हुए थे उसके बाद कुछ ना कुछ हमारा हो ही रहा है, और डेली का मतलब ऑयली खाना, ऑयली और हैवी खाना खाने का बहुत ही ज्यादा ये हो गया। तो आज मैं बनाऊंगी दाल चावल आलू का चोखा सब्जी एंड भुजिया, करेले की भुजिया। तो ये होगा आज का हमारा लंच। तो और आज धूप काफी निकली हुई, मतलब सुबह इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो अभी धूप काफी निकली हुई है तो सारे कपड़े मैंने छत पर डाल दिए, मतलब कपड़ों में भी धूप लग जाएंगे तो अच्छे से। जैसा कि आपने देखा आज मैंने एसी साफ करवाया है। पता है बहुत दिन से गंदा था, इसकी जो जितनी नेट थी ना वो सारी बहुत गंदी हो चुकी थी। 2 साल से हमारी एसी बिल्कुल क्लीन नहीं हुई थी, और वहाँ जहाँ हम लोग बोकारो में रहते हैं ना वहाँ तो इतनी डस्ट है ना कि बस थोड़े थोड़े देर में ही हमें क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो फिर सर्विसिंग की जरूरत पड़ेगी। और ये देखिए मैंने क्या ले कर आया है, मैंने कहा ना कि मेरे हस्बैंड गए थे कार की सर्विसिंग कराने, तो मैं भी साथ गई थी और हम लोग दोनों गए थे। तो ये मुझे देख के, और ये कुल्हड़ वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है, तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि इस टाइप की कप अगर मुझे मिलेगी तो मैं लेकर आऊँगी, तो मैं लेकर आ गई, मुझे मिल गई। और इसमें आज जरूर आपके साथ चाय भी शेयर करूँगी, आज मैं इसी में चाय पीने वाली हूँ। घर से आकर मैं दोनों ने शावर लिया, उसके बाद मैंने दाल चढ़ा के ऊपर छत पे कपड़े डालने गई थी, उसके बाद आने के बाद मैंने करेला वगैरह सारा फ्राई कर दिया और राइस मेरा बन रहा है। तो अभी हम लोग लंच करेंगे। लंच करने के बाद ये सब आप लोग फोटो फ्रेम देख रहे हैं ना, ये काफी गंदे हो चुके। माँ से उतना काम मतलब कितना करेंगी बेचारी, घर सारे घर को देखना होता है। जब भी मैं रूम आती हूँ ऑलमोस्ट अपना रूम क्लीन कर देती हूँ, मुझे जितना बन पाता है मतलब जितना टाइम मिलता होता है मैं कर लेती हूँ। तो आज सारी चीजों को मैं क्लीन करूंगी, ये सब और ये शेल्फ वगैरह ये सब, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी बट लंच करने के बाद, क्योंकि सुबह मुझे टाइम नहीं मिला। सुबह हमें जल्दी से ब्रेकफास्ट करके कहीं जाना था तो सब लोग उसी में लग गए, और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ काम तो रहता ही है, तो वो सब भी हमें करना ही पड़ता है।
क्लीनिंग वगैरह खत्म हो चुका है, ज्यादा डस्ट नहीं था क्योंकि ये रूम हमेशा बंद होता है ना, तो यहाँ ज्यादा डस्ट था नहीं। तो बस मैंने इसी तरह बस पेपर पे चेंज कर दिया। मैं वो एक जो पेपर आता है ना जो रैक वगैरह पे आप बिछा सको, तो वो अभी था नहीं मेरे पास, तो मैंने इसी तरह न्यूज पेपर बिछा लिया। बेडशीट हमारे आने के दिन ही ये चेंज किया गया था, तो इसे मैंने चेंज नहीं किया क्योंकि अभी बस एक ही 2 दिन हो रहा है, तो इसी तरह मैंने इसे झाड़ के बिछा दिया, ज्यादा डस्ट था नहीं। तो अभी थोड़ा सा आधे घंटे रेस्ट लूंगी क्योंकि 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो गाइज मैं अभी सो गई थी और अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ और अभी बज गए हैं 5:30। तो अभी छत पे से बस कपड़े लाना है मुझे, उससे फिर तय लगाना, थोड़े थोड़े काम हैं मुझे और शायद कल मैं चली जाऊँ, कुछ फिक्स नहीं है, वो रात में पता चलेगा। तो या फिर मैं रह जाऊं, ये चले जाए, ऐसा भी हो सकता है। आ गई हूँ छत पे और शाम के 5:30 हो चुके हैं, तो मैं बस अपने सारे कपड़े उठाने आई थी और सोचा तो था कि 1-2 दिन के लिए आऊंगी, लेकिन शायद मैं रुकूंगी और ये चले जाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है, वो तो कल ही पता चलेगा। और ये देखिए सनसेट हो रहा है। वैसे अभी सनसेट का तो टाइम नहीं है, लेकिन आई थिंक ये जो बारिश हो रही है ना, इसी वजह से इतनी जल्दी सनसेट हो रही है। और जब भी मैं छत पे आती हूँ ना, तो 4 चक्कर लगा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है छत पे टहलना। थोड़ा सा मैं बोर हो रही हूँ, ये भी चले गए अपने फ्रेंड के पास, तो इनका तो आना है रहता है, तो चले जाते हैं अपने फ्रेंड के पास, तो मैं क्या करूँ, बोर हो रही हूँ। तो अभी सारे कपड़े को मैं नीचे जाऊँगी, तय लगाऊंगी। सोचा था मैंने कि अपना वार्डरोब को अरेंज करूँगी, बट शायद वो हो नहीं पाएगा। चलो एक चीज़ अच्छा है कि यहाँ पे माँ पापा है, तो उनके साथ मैं चाय पी लेती हूँ, वरना वहाँ तो मुझे अकेली पीने पड़ते। मुझे ये वाली भी फ्लावर बहुत अच्छी लगती है। शाम को कितना अच्छा लगता है ना, तो सारे बर्ड्स का चहचहाना, बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं, वो सबको देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है शाम को। ये सब तो मुझे वहाँ भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ मेन ये जो हमारा एरिया है ना, ये पूरा बहुत मतलब बड़े बड़े ट्रीज है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे देखने में। और ये जो पीछे वाला घर है, ये अभी मतलब कंस्ट्रक्शन अभी खत्म ही हुआ है, तो ये क्या बोलते हैं, प्लास्टर अभी इन्होंने करवाया नहीं है। Thank you.
चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है, और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।